नोएडा सेक्टर 3 में एक औद्योगिक इकाई में भीषण आग लग गई। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार बताया कि रात 12:15 सूचना मिली कि लोकपाल इंडस्ट्रीज में आग लग गई है। जैसे ही फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली वो मौके पर पहुंच गई। 7 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। CFO ने कहा कि रविवार को कंपनी बंद थी, इसलिए अभी आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। कंपनी बंद होने की वजह से इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल या फंसा हुआ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि इस कंपनी में इंडस्ट्रियल लिफ्ट बनाती है जिसका उपयोग भारी इंडस्ट्रियल सामान उठाने के लिए किया जाता है। देखिए 12:15 पे लोकपाल नामक इंडस्ट्रीज थी, इसमें इंडस्ट्रियल लिफ्ट बनती है। इसमें हम फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियां यहां रवाना हुई है। 7 गाड़ियों की मदद से हमने लगभग 1 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद इस पे आग पे काबू पाया है। नहीं देखिए, ये आज संडे भी था और ये कंपनी आज बंद थी, तो कारणों का पता नहीं चल पा रहा है और बंद होने की वजह से इसमें कोई भी इंजरी अथवा कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं पाया गया है। देखिए अभी 7 गाड़ियां आप पीछे देख सकते हैं, 7 गाड़ियों की मदद से अभी तो मात्र 2 गाड़ियां से हम कूल डाउन कर रहे हैं, बट आग को पूर्णतः बुझा लिया गया। देखिए इंडस्ट्रियल लिफ्ट बनाती है, जो कि इंडस्ट्रीज में हेवी इक्विपमेंट भारी सामान जो उठाने के लिए लिफ्ट बनती है वही लिफ्ट ये बनाती थी। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य। दिल्ली पुलिस आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस इलाके में वाहन चेकिंग कर रही है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वाहनों को रोककर गहन निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 9 सितंबर और 10 सितंबर को होने वाला है। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के रिश्तेदार को नालंदा जिले के उनके गांव दरहरा में कथित तौर पर गोली मार दी गई है। सिंह ने आरोप लगाया कि हमलावर JDU का है। समाचार एजेंसी NI से मुताबिक RCP सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे मेरे रिश्तेदारों पर हमला कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो मुझे बर्बाद कर देंगे। बिहार में गुंडाराज चल रहा है, जिस पर गोली चलाई गई वह मेरे करीबी रिश्तेदार है। वह मुझसे मिलते आते रहते हैं, आज भी वह मुझसे मिलने आए थे। उन्हें मारने की कोशिश की गई, उन्हें गोली मार दी गई और कहा गया कि उन्हें मेरा साथ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मार दिया जाएगा। पीड़ित एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो JDU से है। RCP सिंह ने बताया कि पीड़ित मुस्तफापुर गांव में अस्तफा विधानसभा क्षेत्र की बैठक से वापस आ रहा था। पूर्व मंत्री ने JDU पर उंगली उठाते हुए कहा कि नालंदा जिले में हमारी बढ़ती ताकत को देखकर JDU पूरी तरह से हर गई है। यही कारण है कि हमारे रिश्तेदार को JDU ने निशाना बनाकर गोली मारी है। वो मेरा करीबी रिश्तेदार है, मेरा ननिहाल धरहरा है और रिश्ते में मेरा वो पोता लगेगा और हमेशा आता जाता रहता है। वो सरकारी सेवा में है, आज भी आया था, छुट्टी थी तो आया था और यहाँ से वो मिल करके गया है। अब मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया, गोली मारी गई है और ये बताया गया है कि साहब वो जो है उनका साथ छोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। किनका साथ छोड़ा? हमारा। अच्छा। तो हमारा रिश्ता है, कैसे हमारा साथ छोड़ेगा? और जिसका नाम वो लड़का ले रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा वो किस पार्टी में है, वो JDU में है। देखिए नीतीश बाबू के पास अब क्या बच गया है। देखिए इधर सिलाव थाना इलाके के दरहरा गांव में रविवार की रात पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के रिश्तेदार फिंटू सिंह को बदमाशों ने घर से बुलाकर सीने में गोली मार दी।
गोली लगने की सूचना के बाद इलाके और पुलिस प्रशासन ने हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पैतृक गांव मुस्तफापुर के अस्तवा विधानसभा की बैठक हुई थी। इसमें आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पिंटू सिंह ने हिस्सा लिया था। बैठक में हिस्सा लेने के बाद पिंटू सिंह अपने गांव दरहरा लौट आया है। इसके बाद पिंटू सिंह को उसके घर के पास में ही गोली मारी गई है। घटना के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने खड़े तेवर में कहा कि इस गोलीबारी की घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। उन्होंने इस घटना के पीछे सीधे सीधे जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया है। बताया गया कि जिसके द्वारा गोली मारी गई है वह जेडीयू नेता है। नंदा जिला के सिलाव थाना अंतर्गत धरारा गांव के पिंटू और प्रगति कुमार को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको तत्काल थाना द्वारा एक टीम को हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान किया गया है तथा दूसरी टीम वहां कैंप कर रही है धरारा गांव में, तथा जिन अभियुक्तों का नाम का अभी पता चला उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आपत्ति जाहिर की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक देश एक चुनाव कराने को लेकर सरकार में मसूबे पर सवाल खड़ा किया है। सीएम गहलोत राजस्थान के फलौदी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह इतना बड़ा फैसला है, उन्हें सभी विपक्षी दलों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर चर्चा के बाद एक साथ निर्णय लिया गया हो तो लोगों को विश्वास होता है कि वे देश के हित में कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अब लोगों को उनके इरादों पर संदेह है, लोग चिंतित है। अब कल जो इन्होंने कहा है एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले तीन बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और साथ में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार रिकमेंडेशन दिए, सुझाव दिए हैं। इतना बड़ा फैसला है, आप विपक्षी पार्टियों के साथ लेते बात करते, हो सकता है कि सब मिलकर अगर फैसला करते फिर आप कमेटी बनाते तो विश्वास होता लोगों को देश हित में कुछ करने जा रहे हैं। अब आप शक हो रहे हैं। बरमबाकी में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक तीन मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि चार लोग अभी मलबे में दबे हैं। परिवार के 12 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि जो घर गिरा है वह 20 साल का पुराना था। बाद में कमजोर नींव पर ही तीन मंजिला बिल्डिंग बनवा ली। घटना फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र की है। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हशीम नाम के व्यक्ति का तीन मंजिला गिर गया है। हादसे के वक्त घर में 16 लोग थे, सभी सो रहे थे। हादसे में अब तक 12 का रेस्क्यू किया गया है। इसमें दो की मौत हो गई, चार अभी मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। ये हाशिम की बिल्डिंग थी यहाँ पे फतेहपुर कस्बे में बाराबंकी जनपद के, और रात को 3:10 पर सूचना मिली कि एकाएक गिर गई है यहाँ पे और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि चार लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पर सुरक्षित हैं। रात को इस घर में 16 लोग थे जिसमें से 12 लोगों को निकाला गया। अभी अंदर 3 या 4 लोग होने की सूचना मिल रही है, दानिश के, गुड्डू के और अलीम के। एसडीआरएफ भी आ गई है और एनडीआरएफ की टीम भी बस 2 मिनट में पहुंचने वाली है, और जो बचे हुए लोग हैं उनको तत्काल पहले प्रायोरिटी है कि उनको भी निकाल लिया जाए और फिर इसके बाद हम सीज कार्रवाई करें। अभी कितनी कैजुअल्टी हुई अभी तक? जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पहुँचे लोग थे 12 घायल लोग, उसमें बताया जा रहा है 2 लोगों की डेथ हो गई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को G20 नेताओं के बैठक में शामिल नहीं होने से शिखर सम्मेलन के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने शी और पुतिन की अनुपस्थिति को ज्यादा महत्व न देते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन के अंत में जारी किया जाने वाला घोषणा पत्र लगभग तैयार हो चुका है और यह देशों के विशेषाधिकारी है कि वे किसे भेजना चाहते हैं। लेखी ने कहा बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधित्व होगा। नो, इट डजंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द समिट बिकॉज मोस्ट थिंग्स हैव बीन वर्क्ड एट, नाउ इट्स पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन।
And I can only say that it is those countries' prerogative to send whoever they wish to and be represented to them. Both countries are going to be represented respectively in G20. And I'm sure there would be internal reasons of those countries that they are not in a position to come, whatever that worth is. And that means India, of course, is looking. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को समर्थन धर्म को खत्म कर देना चाहिए बयान को लेकर उनकी आलोचना की और कहा कि ये एक सुनियोजित बयान। उदयनिधि स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद जिस तरह से स्टेटमेंट किया, विच इज वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म वो मिटाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से सभी हिंदू धर्मवासी ने इसका निषेध कर देना चाहिए। इस तरह से हमेशा के लिए इनकी नीति रही है, इनकी कृति रही है हिंदू धर्म का नाश करने की, लेकिन सनातन हिंदू धर्म सनातन काल से ये हिंदू धर्म उभरता आ रहा। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने गृह जनपद में पुलिस के आबकारी विभाग की संयुक्त टीम बनाकर अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर कुछ इस तरह शिकंजा कसा कि एक दो नहीं पूरे 218 लोगों को सलाखों में पीछे पहुंचा दिया। हरदोई पुलिस ने इनके पास से 25 शराब की बटी 4766 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इसके साथ ही करीब 2.5 लाख लीटर लहन भी नष्ट कराया है। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। इसके तहत भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ भटिया को बरामद किया गया है, जबकि लहन नष्ट कराया गया। अवैध शराब और उपकरणों को कब्जे में लेते हुए लहन को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया है, जबकि आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुरूप जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसी के तहत कल शाम से आज सुबह तक जनपद में पुलिस विभाग द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा, इन प्रशासन द्वारा ज्वाइंट टीम बनाकर के रेड्स डाली गई। इसमें पूरे जनपद से लगभग 218 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, जो कि या तो अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे अथवा उन्हें बना रहे थे। 25 भट्टियाँ नष्ट की गई, लहन भारी मात्रा में नष्ट किया गया है और लगभग 5000 लीटर से के आसपास अवैध शराब बरामद की गई है। इन सभी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि के बयान पर सबसे ज्यादा बीजेपी हमलावर है और डीएमके के बहाने इंडिया गठबंधन को घेर रही है। हालांकि उदयनिधि स्टालिन अभी भी अपने बयान पर कायम है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए कहा कि इससे समाप्त किया जाना चाहिए। उदयनिधि ने शनिवार को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट संज्ञा करते हुए सफाई दी।